भारतीय बाजार में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट का चलन काफी तेजी से भारत में देखा हुआ चला आ रहा है। भारत में हर कोई कार निर्माता कंपनियां माइक्रो एसयूवी कारें बनाने में लगी हुई है। वहीं देश भर में कई कंपनियां अपनी माइक्रो एसयूवी कारों को लॉन्च भी कर चुकी है, जिसमें टाटा पंच का नाम सबसे ऊपर आता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी पहली माइक्रो एसयूवी कार YTP से आखिरकार फाइनली पर्दा उठा दिया है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन YTP को हम सभी के लिए 2020 जिनेवा मोटर शो के दौरान सबसे पहले प्रदर्शित किया गया था, जब इसे ये कार भारतीय दिलों पर राज करती हुई नजर आ रही है। YTP को कई मौकों पर भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया था। आने वाली छोटी बजट सेगमेंट की 4x2 में इस जबरदस्त कार में आपको फर्स्ट क्लास फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी एक ऐसी कार लेने का सपना इस कम बजट में पूरा 2023 में करने वाली है। भारत में YTP को देखा जाए तो फ्रंट लुक के मामले में ये कार कितनी एग्रेसिव और एक जबरदस्त लुक के तहत दिखाई देती है। दूर से देखने पे लगता है कि YTP फुल साइज SUV कार कहलाती है। फ्रंट में देखा जाए तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप, डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन और फॉग लैंप की प्रणाली इस कार को काफी ज्यादा खास बना रही। फ्रंट में आपको रेटिडाइड न्यू अपडेट ग्रिल क्रोम फिनिशिंग और मैट ब्लैक कलर में दिखाई देने वाली है, जो कि YTV के लुक को काफी एग्रेसिव और एक हैवी मस्कुलस लुक दे रही है। बीच में सुजुकी का लोगो आपको दिखाई देता है। बम्पर की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन YTV को देख सकते हैं कि स्पोर्टी लुक वाले डिजाइन के अलग एमलेट के साथ आने वाली बम्पर इस कार को स्पोर्टी लुक दे रही है। आने वाली YTV साइड प्रोफाइल से काफी ऊंची नजर आ रही है, क्योंकि इस कार में 17 इंच के अपडेट टायर कम्फर्ट फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन YTV में ग्राउंड क्लीयरेंस को ऊंचा रखा गया है, ताकि भारत की तंग रस्तों पे ये कार अपने प्रदर्शन से पीछे ना हट पाए। ऊबड़ खाबड़ रस्ते हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या ऑफ रोडिंग के दीवाने हो, इस कार को सभी रस्तों पर आसानी से चलाया जा सकता है। आने वाली YTV में आपको जबरदस्त न्यू हैंडल बार न्यू टेक्नोलॉजी के साथ दिखाई देगी, जिसको आप अपने फिंगरप्रिंट द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कार के दोनों साइड फिंग्स में एक्शन कैमरे की प्रणाली इस कार को भारत में और भी ज्यादा खास और एक प्रीमियम सेगमेंट की कार में बदल देती है, जिसके आसपास के व्यू को आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में अंदर बैठे बैठाए देख सकते हैं। है ना कमाल की बात। ओवरऑल लुक से देखा जाए तो YTV में 5 लोग तो आसानी से बैठ के सफर कर सकते हैं, और इस कार को 4x2 के डिजाइन अपडेट पे तैयार किया गया है। अगर मारुति सुजुकी का नाम जवान पे आता है तो सबसे पहले ख्याल यही आता है कि जबरदस्त सस्ती कार जो कि कम बजट में एक आम इंसान अपने अफोर्डेबल प्राइस में ले सकता है। एक आज के जमाने में महंगाई के चलते एक फैमिली के लिए मारुति सुजुकी जबरदस्त कारों को डिजाइन करती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर अपनी कारों को रीडिजाइन और अपडेट प्लेटफॉर्म पर अपडेट करने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी ने अपने नए प्रोडक्शन को भी इस साल के दौरान लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है, जहाँ पर माइक्रो एसयूवी कार YTV का नंबर पहली बार लग चुका है। भारत में आने वाली YTV को जितना बाहर से खूबसूरत ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, उतना ही कार के अंदर आपको फीचर्स की भरमार देखने को मिलने वाली है। कंपनी का कहना है कि YTV में आपको 40 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने को इस प्राइस रेंज में मिलने वाले हैं, जो कि भारत में अभी तक किसी भी कार में देखे नहीं गए हैं। YTV को भारतीय बाजार में लुक तो खास बना ही रहा है, साथ ही साथ फीचर्स के चलते भी भारत में ये कार काफी दिलों पर राज करने वाली है। तो देख पा रहे हैं कि भारत में इस कार को कितना जबरदस्त स्टाइलिश लुक दिया गया है, जो कि कार के डैशबोर्ड को ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के अपडेट और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे ये कार अंदर बैठने वाले यात्रियों के लिए एक प्रीमियम फील भी करवाने वाली है। इतना ही नहीं, देखा जा सकता है कि दोनों साइड बिल्कुल नए डिजाइन की ऑटोमेटिक एसी वेंट्स, 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन, और खास बात कि इस कार में छोटा नहीं बल्कि बिल्कुल फिट बैठने वाला 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कंपनी ने किया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम, वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम से एक्सेस किया जा सकता है। यानी फंक्शंस को आप वॉइस कमांड से भी एक्सेस अपनी कार में कर सकते हैं। साथ ही साथ कार के अंदर वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट चार्जिंग, डी प्लगिंग ऑप्शन, हारमोन्स के 6 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों के लिए YTV में धमाका करने वाले हैं। YTV ओवरऑल डिजाइन और लुक के मामले में काफी जबरदस्त और प्रीमियम फील करवा रही है। इतना कार को अंदर से खूबसूरत बनाने में टाइम लगाया है, उतना ही कार में कंफर्ट का भी ग्राहकों के लिए ध्यान रखा है। अगर आप ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं तो आप इस कार को पथरीले और किसी भी रास्तों पे जबरदस्त तरीके से
अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कार में आखिरकार अपहोल सीट्स का सेक्शन जो देखने को मिल रहा है, ये कोई मामूली सीटें नहीं है। अपहोल सीट्स की खासियत यही होती है कि आप एक ही बटन से बैठे बिठाए अपनी सीटों को एक्सेस कर सकते हैं। 14 तरीके से कार की सीटों को 360 एंगल तक मोड़ा जोड़ा जा सकता है। भारतीय बाजार में बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देते हुए आखिरकार कंपनियां अपनी कारों में नए इंजन के सुधार के साथ टेक्नोलॉजी को अजमा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए ही तो जानी जाती है। चाहे इन कारों की बिल्ड क्वालिटी भले ही कमजोर हो, मगर ये अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस और माइलेज के चलते कई कारों को भारत में चुनौतियां दी जाती है। भारत में मारुति सुजुकी कारें सबसे ज्यादा बेची जाती है। अब बात कर ली जाए YTB के आने वाले जबरदस्त इंजन प्रणाली के बारे में, तो जी हां, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये कार को ना लाइट वेट डिजाइन किया गया है या फिर इसका में जबरदस्त इंजन प्रणाली का भी इस्तेमाल आखिरकार कंपनी ने किया है। आने वाली YTB में आपको सेगमेंट का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। इस पेट्रोल इंजन की खास बात की भारत की सड़कों पे आउटपुट के मामले में 82 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 108 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। इस छोटे इंजन की खासियत यही है कि ये छोटे पैकेज में बड़ा धमाका करने वाला है। इस कार में 5 स्पीड AMT 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन। माइलेज की बात कर ली जाए तो भारत में आने वाली YTB अपने सेगमेंट में 28 से लेकर 31 के आसपास माइलेज दे पाने में क्षमता रखेगी। सेफ्टी फीचर्स की बात आती है तो मारुति सुजुकी की कारें लाइट वेट डिजाइन स्टार्टिंग से होती हुई चली आ रही है। अब इन कारों को सेकेंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म पर रीडिजाइन करके कंपनियों ने लॉन्च करना तैयार कर दिया है। भारत में आने वाली पहली माइक्रो SUV कार YTB को भी सेकेंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म पर ही डिजाइन किया है। ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत में आने वाली इस प्लेटफॉर्म पे बनने वाली कारें 90% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा डिजाइन की जाती है, जिसमें इन कारों के सांचों को काफी ज्यादा हाई स्टेनलेस स्टील के द्वारा अपडेट किया गया है। अब इन कारों को टीन का डब्बा नहीं बल्कि अपने सेगमेंट में एक जबरदस्त स्टेबिलिटी डिजाइन के साथ लाया जाएगा। आने वाली YTB को ग्लोबल NCP क्रिस्ट स्मारकों के तहत पूरे 5 की रेटिंग के साथ लाया गया है और ग्लोबल NCP के तहत इस कार को 5.3 की रेटिंग के साथ लाया गया है। आने वाली इस कार की स्टार्टिंग कीमत 3.60 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस होने वाली है। तो अगर आप बेस वेरिएंट की तलाश में हैं, तो आप 3.60 लाख रुपीस में अपनी कार लेने का सपना आज पूरा कर पाएंगे। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन YTB की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, या कमेंट बॉक्स में जाकर बुक कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल ऑनलाइन तरीके से कार को बुक किया जा सकता है। तो देरी किस बात की, अगर आप अपनी चहेती YTB को जल्द से जल्द घर ले जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। YTB के लिए बन जाता है खूबसूरत सा लाइक, तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।